असल नाजरीन पाकिस्तान दिस वीक के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान बुशा खान जैसा कि आपको मालूम है पाकिस्तान दिस वीक में हम लेते हैं जायजा सियासी कारोबारी और दीगर सरगर्मियों का इस हफ्ते भी हम आपके लिए लेकर आए हैं ताज़ा और मुनफरद रिपोर्ट्स पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीली कीमत सैलाब से, से तबाही की सूरत में अदा की वज़ी अजम कहते हैं हमें मौसमिया तब्दीली के असरा से निमटने के लिए मौसर इकदाम करने होंगे पाकिस्तान आलमी हिद्दत और मौसमिया तब्दीली के जेर असर है मजीद तफ़ी इस रिपोर्ट में शंघाई तावन तनजीम के सरबराही इजलास से ख़ता करते हुए वजी अजम शहबाज़ शरीफ का कहना था कि किसी भी सैलाब से इतनी तबाही नहीं आई थी जितनी पाकिस्तान में हालिया सैलाब के नतीजे में आई है सैलाब और बारिश का पानी जगह जगह मौजूद है जिसके बायस मलेरिया डेंगी और दीगर बीमारियाँ जन्म ले रही हैं सैलाब से एक हज़ार से ज्यादा अफराज जा बहक हो चुके हैं और हज़ारों ज़ख्मियों मतदीद लापता हैं मवेशी फसलें घर बस्तियाँ और शहर मुतासर हुए सैलाब मुतासरी को शद मुश्किल का सामना है हमारे दरमियान मौजूद कुछ ममालिक ने सैलाब मुतासरीन की बहुत मदद की मैं उनका मशगू हूँ शबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा की शंघाई ताउन तंजीम इजलास इलाकई मसाइल के हल के लिए बेहतरीन फॉर्म है इसमें नए की ममालिकमूलियत पर मुबारकबाद देता हूँ दहशत गर्दी के खात्मे के लिए एस एस ओ के तमाम ममालिक को मिलकर काम करना होगा पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान में अमन से जुड़ा है खुशहाल तरक्की याफ्ता और तालीम याफ्ता अफगानिस्तान खत्े के तमाम ममालिक के लिए अहम है वजीर आजम का कहना था की इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अफगानिस्तान को माशी तौर पर मजबूत करने की जरूरत है अफगानिस्तान पाकिस्तान का हमसाया मुल्क और अमन की जमानत है अफगानिस्तान को नजरअंदाज करना बहुत बड़ी गलती होगी अफगान हुकूमत, और अकलियतों के बुनियादी का एहतराम करे अफगानिस्तान में खातन के हकूक का ख्याल रखा जाए। of फॉर of in ऑफ पीपल अफगानिस्तान चुनिटीज इंडस्ट्री एग्रीकल्चर एंड ऑल अदर रिलेटेड वर्क फॉर मैन काइंड रूस से बाजरिया पाइपलाइन पाकिस्तान को गैस फरहमी के मुजवजा मनसूबे पर काम करने के लिए पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान इतफाक हो गया है मजीदार रिपोर्ट में रूस से बजरिया पाइपलाइन पाकिस्तान को गैस फरहमी के मुजवाजा मनसूबे पर काम करने के लिए पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान इतफाक हो गया वजीर आजम शहबाज शरीफ ने समरकंद में शंघाई तावन तंजीम के सरबराहान ममलकत के इजलास के मौके पर तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात की जिसमें रूस से पाइप लाइन के जरिए पाकिस्तान को गैस की फरहमी के फराबे पर काम करने पर तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान इतफाक किया गया तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान ने वजीर आजम से गफ्तू करते हुए बताया की रूस कजाकिस्तान और उजबकिस्तान में किसी हद तक गैस पाइप लाइन के लिए बुनियादी ढांचा पहले ऐसी मौजूद है इस सिलसिले में दो तरफा तजारत के फरोत गैस की फरहमी समेत लार्ज स्केल मनसूबों के इम्कान और अमल दरामद पर इतफाक राय किया गया तुर्क सदर का कहना था कि हम जुनूब मश्रकी एशिया और मजमू तौर पर एशिया में पाकिस्तान को अपना तरजीही शराकत दार तस्वुर करते हैं दोनों ममालिक के दरमियान नहायत मस्बत अंदाज में ताल्लुक फ़रु पा रहे हैं जिस पर हमें बेहद खुशी है वाज रहे है दोनों रहनुमाओं के माबैन मुलाकात शंघाई तावन तंजीम के रुकन ममालिक के रियाती सरबराही कौंसिल के इजलास के मौके पर हुई शहर क़ायद के अस्पतालों में डेंगू के मरीजों में इजाफे के बाद सूरत हाल संगीन हो गई अस्पतालों में मरीजों की जगह कम पड़ने लगी मजीद आहवान इस रिपोर्ट में कराची में गुजत 24 घंटों के दौरान डेंगी वायरस के मजद एक सौ बानवे केसेस रिपोर्ट हुए हैं महकमा सेहत के मुताबिक गुजत चौबीस घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा तिरसठ केसेज जिला कारंगी में रिपोर्ट हुए जबकि ज़िला शी में पैंतालीस जिला वस्ती में छब्बीस जिला जुनूबी में पैंतीस ज़िला गरबी तीन जिले मनीर चौदह और जिला किमाड़ी में छह केसेस रिपोर्ट हुए वजीर सहज सिंह डॉक्टर अजरा पिचेहो का कहना था रोज हमारे पास जो डेटा आ रहा है उसमें डेढ़ से दो सौ लोग रोज जो है आ, मरीज ऐड हो जाते हैं इस नंबर्स में तो ये जो है फैलाव इसका बहुत ज्यादा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी हद तक हम इसकी आ, जो वेक्टर है मस्कीटो है जो है आ, मच्छर है उसकी हम कंट्रोल कर सकें वो कोशिश कर रहे हैं रवा साल कराची में डेंगू वायरस के मरीजों की तादाद तीन हज़ार केसेस रिपोर्ट हुई है जबकि नौ मरीज़ जान की बाजी हार चुके हैं एक खातून डॉक्टर फिजा नास का कहना था ये डेंगू के मरीजों को ये कहते हैं कि एहतियात बहुत ज़्यादा करें अगर वो एहतियात नहीं करेंगे तो डेंगू का मर्ज़ बढ़ सकता है खुदा खासा डेंगू का मर्ज़ इतना बढ़ सकता है कि वो दिमाग तक भी पहुँच सकता है फिर वो दिमाग को भी मतलब वो कर मतलब 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 सकता है जैसे कि दिमाग को मतलब इन्फेक्शन दिमाग में हो सकता है डेंगू की वजह से ख्याल रहे कि अस्पतालों में भी मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है सिंध में गंदम की जखीरा अनदोजी के सबब शहर क़ायद में आटे का बहरान सर उठाने लगा है मालकान ने पी किलो आटे की कीमत एक सौ पचास रुपए से तजावज़ करने का खदशा भी जाहिर कर दिया है इस हवाले से मजीद जानेंगे सिंध में गंदम की जख़ीरा अनदोजी के सबब शहर कायद में आटे की कीमत का बहरान सर उठाने लगा है मालकान ने पी किलो आटे की कीमत एक सौ पचास रुपए से तजावज़ करने का खदशा भी जाहिर कर दिया है गंदम के फ़ी मंद नर्क चार हजार रुपये मुकर किए जाने के बावजूद ताजर ओपन मार्केट से ब्लैक में गंदम खरीदने पर मजबूर हो गए फ्लोर मिल से आटे के ट्रक के ट्रक मुतान के लिए खरीदे जा रहे हैं जिसकी वजह से शहर में आटे की किल्लत पैदा हो रही है मकामी मार्केट में आटे की कीमत में फ़ी किलो दस रुपए का इजाफा हो गया दस रुपए इजाफे के बाद चक्की का आटा एक सौ पंद्रह रुपए से बढ़कर एक सौ पच्चीस रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है जबकि छोटी चक्कीों पर आटा एक सौ पैंतीस रुपए में फरोख हो रहा है इस हवाले से एक शहरी का कहना था कि आटे की कीमतें एक हफ्ते हमने सौ रुपए किलो आटा लिया फिर अगले नेक्स्ट वीक पे गए तो एक सौ दस रुपये किलो लिया मैंने दो से तीन दिन पहले एक सौ तेईस रुपये किलो आटा लिया तो समझ नहीं आती ये गवर्नमेंट के मामला कहाँ तक जाएंगे क्या मामलाते हैं गरीब आदमी एक आटा ही है सबसे ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ ही आटा है गरीब गरीब आदमी का आइटम है लेकिन ये कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़े जा रही हैं और किसी गवर्नमेंट को कोई एहसास नहीं है कोई रेट कुछ भी नहीं है आटा महंगा होने की वजह से शहर क़ायद में तंदूर की रोटी की कीमत 20 जबकि चपाती पंद्रह रूपए की हो गई है जबकि बड़े तंदूरों और शीरमाल हाउस पर रोटी पच्चीस रूपए में फरोख्त हो रही है इसी तरह बड़े रेस्टोरेंट पर चालीस रूपए में नान फरुख होने लगा है एक दुकानदार का कहना था की आटा बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है पहले की जो रेट थे उस हिसाब से डबल हो चुका है डबल से भी ऊपर हो चुका है ठीक है डेढ़ सौ रुपये किलो एक सौ बीस रुपये किलो कोई दे रहा है इस हिसाब से चल रहा है शॉर्टेज अलग हो गई है उस आटे की क्योंकि ये सलाब दुकान को जा रहा है इस वजह से और शॉर्टेज हो गई है गंदम पीछे से महंगी आ रही है इस वजह से जो है थोड़ा सा बहरान हो चुका है इसका आटे का ख्याल रहे कि सिंध हुकूमत ने गंदम की सपोर्ट प्राइस दो हजार दो सौ रुपये से बढ़ाकर चार हजार रुपये किलो मुकर कर दी है जबकि सिंध में सरकारी गंदम की अजराको अक्तूबर से की जाएगी कराची शहर में लूटमार और चोरियों की वारदातों में बेतहाशा इजाफा होने से लोग खौफा होने लगे शहरीों ने गैर जरूरी घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में कराची शहर में लूटमार और चोरियों की वारदातों में बेतहाशा इजाफा होने से लोग खौफ हो गए हैं शहरीों ने गैर जरूरी घरों से बाहर निकलना बंद करने के अलावा बाहर बैठने से भी गुरेज करना शुरू कर दिया है शहर क़ायद में रहसनी की वारदातों में अचानक इजाफे के नतीजे में सैकड़ों शहरी कीमती अशिया और नकदी से महरूम हो चुके हैं तहम इन वाक्यात में इजाफे के बावजूद हुकूमत के कानों में जू तक नहीं रेंग रही इस हवाले से एक शहरी मोहम्मद हफीज का कहना था भैया हालात जो है ना इस वक्त बहुत खराब चल रहे हैं आप जिस गली में भी जा रहे हैं आपको डर लगा रहता है की पीछे से कोई आ जाएगा अभी और आपको लूट के चले जाएगा लोग बहुत डरे हुए हैं और पुलिस रेंजर कुछ भी नहीं कर रही है लोग अपनी मदद आपके लोगो को जो है ना अगर डाकू हाथ में आ जाता है दो देखने के साथ आठ उन्होंने लोगों ने मार दिया रोशनियों के शहर में लूट मार और चोरियों की वारदातों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी की जानब ऐसी भी रीगल चौक आरोप एहतजाजी मुजाह किया गया अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज रहमान ने चोरों को लगाम डालने की जरूरत आरोप जोर देते हुए मुतालबा किया की हुकूमत कराची के शहरियों को रहनों ऐसी तहफ़ फराहम करने के लिए बयान के बजाय अमली इकदाम उठाए खबरों के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का